हेलो डियर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनसीन पैसेज, जो सबसे पहले नंबर पर आता है, और अगर आप ये अच्छे से सॉल्व करते हैं तो इसका इम्प्रेशन एग्जामिनर के माइंड में लास्ट तक रहता है। आइए शुरू करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज, जो अब तक बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी है और इस बार भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ, पहले इसका हिंदी में अर्थ समझेंगे, फिर नीचे दिए हुए क्वेश्चन के आंसर्स देंगे, है ना मज़ेदार। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, बींग डिस्ट्रेस्ड, बहुत निराश था बाई सीजलेस क्वारलिंग, निरंतर लड़ाई झगड़े से, गोइंग ऑन अमंग हिज सन्स, जो उसके बेटों में चलता रहता था। वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड देम, उसने उन्हें बुलाया, टू हिम, अपने पास, एंड शोड देम, और उन्हें दिखाया, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों के एक गट्ठर को, टाइट टुगेदर, साथ में बांधकर, एंड आस्क्ड, और कहा, इफ़ एनी वन ऑफ देम, कि उनमें से कोई वाज स्ट्रॉन्ग इनफ, इतना ताकतवर है, टू ब्रेक देम, उन्हें तोड़ सके। फर्स्ट वन एंड देन अनदर ट्राइड, पहले वाले ने और उसके बाद दूसरे ने प्रयास किया, बट ऑल्दो दे वर ऑल रोबस्ट एंड हेफ्टी यंग मैन, लेकिन यद्यपि वो सारे बहुत ही तंदुरुस्त और ताकतवर थे, दे ऑल फेल्ड, वे सारे असफल हुए। ही देन, उसने तब, अनटाइड द बंडल, बंडल को खोल दिया, एंड टोल्ड देम, और उनसे कहा, टू ब्रेक, तोड़ने के लिए, ईच स्टिक सेपरेटली, हर लकड़ी को अलग अलग। दिस दे डिड ईजीली, ये काम उन्होंने आसानी से कर लिया, एंड ऑल द स्टिक्स वर सून ब्रोकन इन टू पीसीस, और शीघ्र ही सारी लकड़ियाँ टुकड़ों में हो गई या टूट गई। दस, इस प्रकार, ही टॉट देम, उसने उन्हें सिखाया, दैट यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रॉन्ग, साथ रहेंगे वे लोग ताकतवर रहेंगे, बट डिसयूनाइटेड, अगर वे अलग अलग हो गए, दे वुड ऑलवेज बी वीक, वे सदैव कमजोर रहेंगे। ओके, तो अब हम इस अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस पिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं, व्हाई वाज द ओल्ड मैन सैड, बूढ़ा आदमी क्यों दुखी था। आंसर देखेंगे, पहली लाइन में है, वहीं से उठाया है, केवल सब्जेक्ट उठाएंगे क्वेश्चन से, द ओल्ड मैन वाज सैड, दुखी था, बाई अनएंडिंग क्वारलिंग, निरंतर झगड़े से, गोइंग ऑन, जो जारी था, अमंग हिज सन्स, उनके बेटों के बीच में। क्वेश्चन नंबर टू यानी कि बी, व्हाट लेसन डिड ही टीच हिज सन्स, उसने अपने बच्चों को, बेटों को, कौन सा पाठ पढ़ाया। He taught, उसने पढ़ाया, his sons, अपने बेटों को, that की united, साथ रहकर, they would be strong, वे ताकतवर रहेंगे, but disunited, लेकिन अलग अलग होकर, they would always be weak, वे सदैव कमजोर रहेंगे। ये भी unseen passage के last से उठा लिया है, subject का ध्यान रखेंगे, वहाँ old man था तो old man लाए, यहाँ पर he था तो he का यूज़ किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इटैलिसाइज्ड पोर्शन, जो इटैलिक पोर्शन है उसको एक्सप्लेन करना है। पहले कैच वर्ड्स लिखेंगे, पहली लाइन में जो तिरछा लिखा है, डिस्ट्रेस्ड डैश डैश डैश, और लास्ट वर्ड उठाएंगे क्वारलिंग, यानी कि इस पोर्शन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो होगा, द ओल्ड मैन वाज वेरी सैड, ये डिस्ट्रेस्ड से हम ले आए, बूढ़ा व्यक्ति बहुत दुखी था, बिकॉज, क्योंकि, हिज सन्स, उनके बेटे, वुड ऑलवेज क्वारल अमंग वन अनदर, आपस में लड़ते रहते थे, ऑल द टाइम, सारे समय। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन, है ना इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन डी, गिव द सुटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज, इस पैसेज का या खंड का एक उपयुक्त शीर्षक बताइए। बहुत पुरानी स्टोरी है गाइज, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार आई है, और ये टाइटल है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ही शक्ति है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, ये तीन वर्ड्स दिए हुए हैं और इनके हमें पैसेज में मीन्स निकालने हैं, यानी कि साइनोनियम्स। ओके, नंबर वन, कॉन्स्टेंट एंड अनएंडिंग, निरंतर और बिना रुकने वाला, यानी कि निरुद्ध। आंसर है सीजलेस, पहली लाइन में दिया है। नंबर टू, अपसेट एंड वरीड, दुखी और चिंतित, ये भी पहली लाइन में ही है, डिस्ट्रेस्ड। और तीसरा और आखिरी है लार्ज एंड हैवी, ये उसके बेटों के बारे में है, रोबस्ट एंड हैप्टी, है ना मज़ेदार।
सो फ्रेंड्स, ये थी अनसीन पैसेज। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय, लॉट्स ऑफ लव, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।